नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज मैं आपको सोना भस्म बनाने का तरीका बता रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक सोना भस्म का है। दोस्तों पहले मैं आपको सोना भस्म के कुछ गुण बता देता हूँ, बाकी तो दोस्तों सोना भस्म के सारे गुण बताना तो पॉसिबल नहीं है। कोई भी इतना बड़ा विद्वान नहीं है जो सोना भस्म के सारे गुण बता सके, बाकी फिर भी खास खास मैं बता देता हूँ। दोस्तों एक तो सबसे पहली बात, सोना भस्म खाने वाले बंदे का शरीर सोने जैसा ही हो जाता है, यानी कि हर तरह की बीमारी उसके शरीर से ख़त्म हो जाती है, शरीर तंदुरुस्त हो जाता है, शरीर ताकतवर हो जाता है। बहुत ज़्यादा ताकत देता है सोना भस्म। इसके अलावा दोस्तों दमे की दिक्कत में सोना भस्म बहुत बढ़िया काम करता है, टीवी की दिक्कत में बहुत बढ़िया काम करता है। और इसके अलावा फिर गुप्त रोगों में तो दोस्तों इसका कहना ही क्या, गुप्त रोगों में शीघ्र पाचन न मर्दी, धात स्वपन दोष और बाकी अंडकोश की वृद्धि हो जाना, अंडकोश में दर्द, इन चीज़ों में बहुत ही लाजवाब काम करता है। बाकी दोस्तों पुराने बुखार इनमें बहुत बढ़िया काम करता है। दोस्तों जितने भी शास्त्रीय योग हैं लगभग हर योग में सोने भस्म का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लगभग हर नुस्खे में। अब दोस्तों हर नुस्खे में सोना भस्म यूज करने का फ़ायदा ये होता है कि इसे जिस भी नुस्खे में डाला जाएगा उस नुस्खे की ताकत को ये कई गुना बढ़ा देता है। आजकल दोस्तों आपने देखा होगा कि कई कंपनियों के प्रोडक्ट आते हैं और बुखार की दवाइयाँ होती हैं, नसों की, सांस की, इसी तरीके से अलग अलग बीमारियों में फार्मूले आते हैं कंपनियों के, और उनमें कुछ फार्मूले सिंपल आते हैं और उसी के दूसरे आते हैं जिनमें स्वर्ण भस्म डली होती है। तो जिनमें दोस्तों स्वर्ण भस्म डली होती है वो फार्मूले बहुत ज़बरदस्त, बहुत तेज़ी से काम करते हैं और बहुत जल्दी रिजल्ट दिखाते हैं। तो इसी चीज़ पे दोस्तों आज बात करेंगे, इसी चीज़ पे चर्चा करेंगे। अब इसे बनाने का तरीका दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल प्रॉपर तरीका दोस्तों, प्रॉपर, ये नहीं कि बीच में मैं कुछ छुपाऊँगा, बिल्कुल प्रॉपर आपको बता रहा हूँ। आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। सबसे पहले आपको ले लेना 10 ग्राम सोना 24 कैरेट सोना आपको ले लेना है, और उसकी आपको सबसे पहले शोधन करना, उसे 21 बार नींबू के रस में और 21 बार ही आप तेल में, सरसों के तेल में बुझावा दे दें, आपका सोना शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े करके बराबर मात्रा में, यानी कि 10 ग्राम ही शुद्ध किया हुआ पारा ले लें, इनकी दोनों की घुटाई करें, और इसे दोस्तों आपको गुलाब के फूलों का जो लुगदा होता है, गुलाब के ताज़े फूल आपको तोड़ने हैं, उसका रस निकलेगा तो वो जैसे आप कूटोगे अगर उसमें कुछ रस ऊपर आता है तो वो अलग कर दें, और लुगदे में उसे आग दे दें। अब दोस्तों एक आग देने के बाद आपको फिर दोबारा से उसी भस्म की, ये दोस्तों भस्म बन जाएगी, लगभग भस्म बन जाएगी मगर पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगी, 5-6 किलो उपलों की आग देनी, ज़्यादा नहीं देनी। तो अब दोस्तों दूसरी बार आप इसे गुलाब जल में रगड़ाई करें, 10 ग्राम फिर से इसमें पारा डालें और घुटाई करें गुलाब जल में, और इसकी टिक्की बना के फिर से आप इसी तरीके से गुलाब के फूलों के लुगदे में आग दे दें। इसी तरीके से दोस्तों आप 7 आगें दे दें, सोना भस्म बहुत अच्छी वाली बन जाएगी, बहुत अच्छी मुलायम पानी के ऊपर तैरने वाली सोना भस्म आपकी तैयार हो जाएगी। अब दोस्तों इसे आपको एक काली मिर्च के बराबर, दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें, एक काली मिर्च के बराबर रात को 8 बजे के बाद, यानी कि 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में आपको ये खुराक ले लेनी है। खाना आपको 7 बजे खा लेना है। खाने में आप हेल्दी चीज़ें लें, दूध घी ज़्यादा लें, मलाई मक्खन ये चीज़ें ज़्यादा लें, और रात को 8 और 8:30 बजे के बीच में ये आपको एक खुराक ले लेनी है, एक काली मिर्च के बराबर मक्खन या मलाई में रख के। इसके अलावा दोस्तों शहद के साथ भी आप इसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों इसे लेने के बाद आपको सुबह 8 बजे तक कुछ नहीं खाना, दोस्तों इस चीज़ को भी आप नोट कर लें, सुबह 8 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, आपको दूध पीना है, दूध आप जितना मर्जी पिएं, मगर दूध के अलावा आपको ना ही जूस पीना है।
माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, बीच में वीडियो रुक गई थी। तो ये आपको खाली दूध ही पीना है, सुबह 8 बजे तक दूध ही पीना है, इसके अलावा आपको पानी तक नहीं पीना। अब 8 बजे के बाद आप जो मर्ज़ी खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी दोस्तों ये आपको 1 महीने तक लगातार इसी तरीके से लेना है। और दोस्तों जैसी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम होगी आपकी, कितनी भी पुरानी से पुरानी हो, कैसी भी हो दोस्तों, कुछ ही दिनों में जड़ से ख़त्म हो जाएगी और सारी ज़िंदगी आपको सेक्स से संबंधित दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों एक मेरे भाई ने कहा था कि नुस्खा ऐसा बताओ कि आदमी मर जाए मगर आदमी का पेनिस ना मरे। इस तरीके का नुस्खा होना चाहिए कि बूढ़ा हो जाए आदमी मगर उसके पेनिस में कमज़ोरी ना आए। तो दोस्तों ये फार्मूला इसी तरीके का है, इंसान बूढ़ा हो जाए मर जाए मगर पेनिस मरने वाला नहीं है। तो ये इसी तरीके का फार्मूला है, तो आप इसे खुद भी बना सकते हैं और मैं ये फार्मूला बना रहा हूँ, आप मेरे से भी ये मंगवा सकते हैं। और दोस्तों बाकी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।